Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गौ माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा की ओर ध्यान दें। आज कथा का तृतीय दिवस कल आप सभी ने श्री व्यास जी महाराज ने जो भागवत को लिखना प्रारंभ किया किस तरह से मंगलाचरण के द्वारा इस भागवत को फल बताया, क्योंकि व्यास जी 17 पुराण पहले ही लिख चुके थे। उसके बाद भी जब मन शांत नहीं हुआ तब सोचा कि इतना सब कुछ होने के बाद 17 पुराणों की रचना की फिर भी मन शांत नहीं हुआ, ऐसा क्या करो कि मन शांत हो। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत रचना की और 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, सब में जो तत्व है, जो सबका निचोड़ है,
उसको श्री व्यास जी महाराज ने इस भागवत में रचना किया। कहते हैं भागवत जो है ये सब शास्त्रों का मिक्स जूस है। कोई फल है, किसी फल के अंदर ये विटामिन होती है, किसी के अंदर ये बुखार फीवर हो तो डॉक्टर कहेगा ये विटामिन लो, ये फल खाओ, ये खाओ, ताकत बढ़ानी है तो ये खाओ। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ताकत बढ़ाने के लिए सारे फलों के जूस को इकट्ठा करके पिया जाता है। वैसे ही सभी ग्रंथ, सभी वेद, सभी उपनिषद, सभी अपने आप में बड़े महान हैं, लेकिन भागवत जो है ये इन सब का मिक्स जूस है। दूध में बहुत ताकत होती है, लेकिन उसी दूध में से जब घी निकाल लिया जाए तो घी की मक्खन की ताकत उससे ज्यादा हो जाती है। वैसे ही ये भागवत जो है ये सबका निचोड़ है, ये सबका मक्खन है, ये घी निकाल लिया गया है सभी शास्त्रों में से, वेदों में से। और इसी भागवत ने 7 दिन में परीक्षित की कैसे मुक्ति की, वो आप सब आगे श्रवण करेंगे। जब परीक्षित जी को श्राप लगा 7वें दिन मृत्यु नजदीक है, तब गंगा के किनारे बैठ गए। श्री सुखदेव जी वहां आए 16 वर्ष के, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, व्यास जी बैठे थे, परशुराम जी बैठे थे, सभी ऋषि अपना अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए। सुखदेव जी को सभी ने सम्मान दिया, सभी ने सेवा की, क्योंकि सुखदेव जी त्यागी हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, भारत देश में हमेशा से त्यागियों की पूजा हुई है, ना कि पैसों वालों की। यहाँ पैर उनके छुए जाते हैं जिन्होंने पैसे को त्यागा है। आपने कभी सुना कि आप किसी बड़ा पैसे वाला है, आप जाके उसकी आरती कर रहे हो या उसके पैर छू रहे हो? हाँ, चापलूसी की वजह से कर रहे हो तो वो तो अलग बात है। लोग नेताओं के जूते साफ करते हैं, वो तो चापलूसी अलग चीज है। दिल से कोई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है पैसा है तो अपने लिए। हाँ, कुछ हमें स्वार्थ हो तब उसकी पीछे पीछे दौड़ेंगे, लेकिन संत के पास जब आप जाते हो, आपको संत कोई रिश्वत नहीं देता, आपको कोई स्वार्थ नहीं देता, आप फिर भी जाके आपकी गर्दन वहां झुक जाती है। संत के सामने नहीं, उसके त्याग के सामने। त्याग तो बड़ी ही अद्भुत चीज है, लेकिन कोई कर पाए तब है। श्री सुखदेव जी आए, बैठे, कथा सुनाना प्रारंभ किया। और कितनी अद्भुत बात है, जरा सोचिए कि जिसने इस भागवत ग्रंथ की रचना की, श्री व्यास जी महाराज, वो खुद आज इसी भागवत के श्रोता बन के बैठे हैं, जिन्होंने इसको लिखा। क्यों? क्योंकि भागवत को कितनी बार पढ़ो, कितनी बार लिखो, भागवत हर बार नई होती है। सभी बैठे हैं, श्री सुखदेव जी आए आसन पर बैठे, परीक्षित जी सामने बैठे थे। कहा कि हे परीक्षित, याद रखना मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, ये हमारे ऋषियों का संदेश है जो मैं तुम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब परीक्षित की मृत्यु नजदीक है, अब मृत्यु को सुधारना है, तब क्या करें? श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहा कि हे परीक्षित, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, भगवान की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। भूल जाओ कि मुझे स्वर्ग में जाना है।
अगर मैं आपसे पूछूं, आप जितने भी लोग यहाँ आए हो कथा में आज, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। बाकी नहीं चाहते? नहीं, मैंने पूछा है, आपस में बात करने के लिए नहीं कहा। पड़ोसी से पूछ रहे, तू भी चलेगा? तू चले तो मैं चलूं। खासकर स्त्रियां, क्योंकि ये स्त्रियों का स्वभाव होता है, वो अकेले कभी नहीं रह सकती, दो चार उनके साथ चुगली के लिए चाहिए। मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर का दर्शन करने के बाद सीढ़ियों पर बैठ के 10 मिनट तो चुगलियां चलती हैं दर्शन के बाद। लेकिन नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, बड़े अच्छे हैं। व्रतासुर, आप आगे कथा उसकी श्रवण करेंगे। व्रतासुर ने बड़ा सुंदर एक भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, ना पारमेष्ठम, ना योग सिद्धिम, ना रासाधिपत्यम, ना पुनर्भवम वा, ना मुझे योग सिद्धि चाहिए, ना मुझे कोई स्वर्ग चाहिए, ना मुझे नरक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले, वांछन्ति यत् पाद रज प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके चरणों की रज का अनुराग मेरे जीवन में आ जाए, बस इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब भक्त बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंच जाता है, तब वो स्वर्ग नरक पाप पुण्य सबसे ऊपर उठ जाता है। ना उसे पाप से मतलब, ना पुण्य से, ना स्वर्ग से, ना नरक से, उसे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चरणों के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। इसलिए अगर आप लोग स्वर्ग जाना चाहते हो तो एक बात जरूर याद रखना, स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग जा सकते हो पुण्य करके, पुण्य करो, दान करो, यज्ञ करो, सेवा करो, इससे आप स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन भगवान के धाम अगर आपको जाना है, स्वर्ग से आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आप सीधा गोलोक धाम चले गए, प्रभु के चरणों में चले गए, तो ये जो आना जाना, जन्म मृत्यु, ये सब के चक्कर से आप छूट जाओ। ये बहुत समझने की एक बात है, आप सभी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आए हो तो कुछ आप लेकर के जाओ। श्री प्रभुपाद, ऐसी भक्ति विधान प्रभुपाद ने कहा है कि इफ यू डू गुड वर्क्स, अगर आप कोई अच्छे काम करते हैं, पुण्य करते हैं, तो क्या होगा? बोले, आपको अगला जन्म या इस जन्म में आपको बड़ी खुशियां मिलेंगी, बड़ा मस्ती मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन आप जन्म मृत्यु के चक्र में फिर भी पड़े रहोगे, आप छूट नहीं सकते, पड़े रहोगे। अगर आप बुरे काम करते हो तो आपको अगले जन्म में दुख मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहोगे। अच्छा, अब अच्छे कर्म करो तो भी पड़े रहे, बुरे कर्म करो तो भी पड़े रहे, तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो ये बात जरूर याद रखिए, आपने बार बार सुना होगा, सेवा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सब आपको सुख दिला सकते हैं। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना पड़ेगा, आप तभी भगवान के धाम जा सकते हो। सिर्फ एक ही रास्ता है भगवान को प्राप्त करना है तो। अच्छा, अब किसी ने पूछा कि अरे महाराज, भगवान को प्राप्त कैसे करें? तब श्री शंकर भगवान भी
देवी पार्वती से कहते हैं, और श्री काकभुसुंडी जी भी रामायण में बड़ा सुंदर कह रहे हैं। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, 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 भजन न जाए कलेशा। अच्छा, ये बात ऐसी नहीं कही गई, मन में आया बोल दिया, निज अनुभव अनुभव से कही गई है, अब तक नहीं कही, इसलिए निज अनुभव अब कहूं खगेशा। अब मुझे ये पूरी तरीके से विश्वास हो चुका है, अब ये पूरा अनुभव हो चुका है, इसलिए मैं दावा करके ये कह सकता हूँ कि निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिन हरि भजन न जाए कलेशा। यही बात कही शंकर भगवान ने पार्वती से, क्या कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब शंकर भगवान ने भी यही कहा कि मैं भी ऐसे ही नहीं सुना और बोल दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शंकर भगवान ने भी पूरा अनुभव करके ये कहा है कि बिन सत हरि भजन जगत सब सपना। ये शंकर भगवान जान चुके हैं, शंकर भगवान ने विष पिया, उस विष ने उनको अमृत का फल दिया, क्यों, नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब शंकर भगवान ने विष पिया तब एक बार राम बोला, और राम बोलते ही उस विष ने, उस जहर ने अमृत के जैसा फल दिया। ये नाम का प्रभाव है, नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे शंकर भगवान ने तो ये दावा कर दिया, आप सबने भी शायद ये प्रसंग जो है ये सुना होगा, शंकर भगवान ने रामचरितमानस का निर्माण किया, उसमें 1 करोड़ चौपाइयों का, श्लोकों का रचना की, 1 करोड़। अब शंकर भगवान भोलेनाथ करुणावतार, उनको इसकी क्या जरूरत, वो तो पहले ही राम नाम में मस्त है। लोग कहते हैं ना शंकर भगवान नशा करते हैं, सचमुच भगवान नशा करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह भांग और धतूरे का नहीं, वो राम नाम का नशा करते हैं, राम नाम के नशे में पड़े रहते हैं। लोगों को जब कुछ नशा करना हो तो शंकर भगवान को आगे ले आते हैं, कुछ चोरी करनी हो, अरे तुम्हारे कन्हैया ने भी की थी, तुम्हारे कन्हैया ने माखन चुराया था, कन्हैया ने माखन चुराया, पकड़े नहीं गए, इसलिए उनका एक ग्रंथ लिख दिया भागवत, अगर तुमने चोरी की पकड़े गए तो पीछे से पुलिस कहेगी भाग मत, तुम्हारा एक नया ग्रंथ बनाना पड़ेगा। नशा करते थे लेकिन राम नाम का नशा करते थे। तो जब इन्होंने 1 करोड़ श्लोक लिखे तो देवता, दानव और मनुष्य, 3 ये पहुंच गए शंकर भगवान के पास। अरे महाराज, आप तो बड़े महान हो, करुणा अवतार हो, आपको इसकी क्या जरूरत, इसकी जरूरत तो हम जैसे स्वार्थियों को है, आप ये श्लोक ना हम 3 लोगों में बांट दो।
शंकर भगवान ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। 33 लाख श्लोक देवता राक्षस और मनुष्यों में बांट दिए। शंकर जी के पास 1 लाख बचे। अब फिर से देवता बोले अरे प्रभु आप तो महान हो, आपको इसकी क्या जरूरत, आप इनको भी बांट दो। 33,000 श्लोक बांट दिए। शंकर जी के पास 1,000 बचे। अरे महाराज आप इनको भी बांट दो, वो भी बांटे। 33,000 श्लोक बांट दिए। शंकर जी के पास 100 बचे। अब भी नहीं माने, अरे महाराज आप इनका भी क्या करोगे, आप इनको भी बांट दो। 33,000 श्लोक बांटे, 1 श्लोक बचा। तब कहा कि इसको भी बांट दो। शंकर भगवान ने सोचा चलो तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। अब वो श्लोक जो था वो अनुष्टुपी छंद का था, उसमें 32 अक्षर थे। भगवान ने 10-10 अक्षर तीनों देवता राक्षस मनुष्यों में बांटे, उनके पास सिर्फ 2 अक्षर बचे। तब कहा महाराज इन 2 अक्षरों को भी बांट दो। तब शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले अरे देवताओं, अरे दानवों, मनुष्यों, ये सारी रामचरितमानस तुम्हें मुबारक, तुम लेकर के जाओ, लेकिन ये 2 शब्द जो है ये तो मेरा जीवन है, इनको कैसे दे सकता हूँ। अच्छा महाराज दे नहीं सकते तो बता तो सकते हो ये 2 अक्षर है क्या। तब कहा कि ये 2 अक्षर जो है ये रामायण का, ये रामचरितमानस का, ये ब्रह्मांड का सार है। एक है रा और दूसरा है म। ये राम है जो कि पूरी रामचरितमानस पढ़ लो अंतिम में निचोड़ राम मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इसीलिए नाम का प्रभाव तो योगी नाम निरप निरनितम हरेर नामानुकीर्तन। बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, याज्ञिक बैठे थे, व्रती बैठे थे, तपस्वी बैठे थे, सबसे कहा महाराज कोई एक साधन बता दो जिससे जीव की मुक्ति हो जाए, एक साधन आसान सा। सबने सोचा क्या बताएं, तब सबने निर्णय लिया और एक निर्णय बताया गया कि योगी नाम निरनितम हरेर नामानुकीर्तनम। सभी ने निर्णय लेकर के एक साधन बताया, वो है भगवान नाम का कीर्तन, जो तुम्हें भगवान तक बिल्कुल आसानी से पहुंचा सकता है। ऐसा भगवान का नाम कब तक ध्यान करोगे, कब तक यज्ञ करोगे। देखिए इन साधनों से भी भगवान प्राप्त होते हैं, यहाँ इनकी कोई इनके ऊपर कटाक्ष नहीं है, लेकिन हाँ अगर भगवान को कलयुग में प्राप्त करना है तो क्यों सीढ़ियों से चढ़ रहे हो, अरे लिफ्ट का जमाना है, बैठो और आसानी से पहुँच जाओ। कब तक इन साधनों में भटकते रहोगे, क्यों नहीं सीधा सा साधन अपनाओ जिससे आसानी से भगवान मिल जाए। लेकिन हाँ एक शर्त जरूर है, क्या, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो जब भी जब अगर भगवान के नाम पर भरोसा नहीं है, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं। पूर्ण विश्वास पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे गुरुजी ने कहा एक माला करनी तो सुबह सुबह उठ के एक तो करनी है। अब सुबह उठने में देर हो गई, अब सुबह जल्दी जल्दी उठे, जल्दी जल्दी नहाए, अब गुरुजी ने कहा है कि जब तक एक माला नहीं करो चाय पीनी नहीं है। माला लेके बैठ गए, माला जब शुरू कर दिया, लेकिन इतने में श्रीमती जी चाय लेके आ गई, सामने चाय का कप रख दिया। अब माला भी चल रही है और नजर चाय पर भी है, अगर देर लग गई तो चाय ठंडी हो जाएगी, और चाय ठंडी हो गई और फिर श्रीमती जी से गर्म करने के लिए कहूंगा तो शायद चाय तो गर्म नहीं करे, खुद ही गर्म हो जाएगी। अब बस था, अब उस माला को, माला की जो गौमुखी होती है उसको बाहर निकाल निकाल के देख रहे कि क्या गई है जी, आई क्यों नहीं थी। उसको बार 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 मेर जिसको बोलते हैं आप लोग गुजराती में, उसको निकाल के बार बार देख रहे कि अभी आई क्यों नहीं, कहाँ चली गई।
नहीं, विश्वास होना चाहिए, तब नाम जाप करके देखिए। क्योंकि राम ने सिर्फ एक रावण को मारा, लेकिन राम के नाम ने तो न जाने कितने दुष्टों को सुधार दिया, कोई गिनती नहीं। ये बात स्वयं लिखी गई है कि राम एक तापस तियतारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। लेकिन राम के नाम ने कितनों की बुद्धि सुधार दी, कितनों को नया जीवन दे दिया। इसीलिए भगवान का नाम सिर्फ इंसान नहीं, ये पृथ्वी भी, ये आकाश भी प्रभु के नाम की महत्वता जानता है। ये भी भगवान का नाम गाते हैं, तो मनुष्यों को तो गाना चाहिए। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव एक भक्त के द्वारा प्रकट किया गया है, और भक्त कहता है, धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, गाते चारों धाम तेरो नाम, 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 धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, गाते चारों धाम तेरो नाम, 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 सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरे नाम बिन दुनिया क्या थी, तेरे नाम बिन दुनिया क्या थी, राम तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरे नाम बिन दुनिया क्या थी, तेरे नाम बिन दुनिया क्या थी, बना दिया करता है पल में, बना
दिया करता है पल में, बना दिया करता है पल में, बना दिया करता है पल में, सबके बिगड़े काम तेरो नाम।